दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ेंगे दो विमान, इंडिगो और एयर इंडिया। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विमानों की संख्या बढ़ाए जाने की बातें तेज कर दी गई है। सूत्र बताएं कि सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइसजेट दिल्ली के लिए फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा सकती है, इसकी तैयारी चल रही है। जल्द ही कंपनी की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत या फरवरी माह के शुरुआती हफ्ते में कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी तक कंपनी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि दरभंगा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसको देखते हुए कंपनी ने दरभंगा से फ्लाइट बढ़ाने का फैसला लिया है। यदि ऐसा होता है कि दरभंगा से प्रतिदिन दो विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, वही उसका दोहरा लाभ यात्रियों को मिलेगा। एक और दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़ जाएगी, वही दूसरी ओर विमानों की संख्या बढ़ने से किराए में कमी आएगी। कंपनी की ओर से जल्द तारीखों के साथ नए विमान के लिए समय की घोषणा की जा सकती है। वही जल्द दरभंगा एयरपोर्ट से देश के अन्य महानगरों के लिए भी विमान सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से सूबे के 22 जिले के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। यहां से मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, फारबिसगंज, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, रक्सौल, गोपालगंज सहित पड़ोसी देश नेपाल के यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने दरभंगा एयरपोर्ट पर आते हैं। इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ान सेवा भी जल्द शुरू होगी। दरभंगा एयरपोर्ट से महानगरों के लिए यात्री की बढ़ती संख्या देखते हुए विमानम कंपनी इंडिगो और एयर इंडिया जल्द दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करेगी। इसके लिए इंडिगो की ओर से बातें भी शुरू कर दी गई है। कंपनी के अधिकारियों ने दरभंगा आकर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। कंपनी फरवरी मार्च महीने से सेवा शुरू कर सकती है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट को ऑल वेदर एयरपोर्ट बनाने की बातें तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि पिछले दिनों खराब मौसम के कारण कई दिनों तक विमान सेवा बाधित रही थी। इसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरभंगा एयरपोर्ट पर ILS सिस्टम नहीं होने के कारण लो विजिबिलिटी में विमानों में लैंडिंग की परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए सरकारों को यहां से प्रस्ताव भेजा गया। इसमें भूमि अधिग्रहण, नील गाय को हटाना आदि शामिल है। आप देख रहे हैं मिथिला देखो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।